सपा का सदस्यता अभियान तमकुहीराज में संपन्न। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। कुशीनगर तमकुहीराज डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता की अध्यक्षता में सपा सदस्यता अभियान 2022 का कार्यक्रम शुक्रवार को तमकुहीराज में हुआ संपन्न। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पूर्व MLC व सदस्यता अभियान प्रभारी रामावत यादव को कमान सौंपा गया है। इस अभियान में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 331 उदय नारायण गुप्ता ने सपा के कार्यों को गिनाते हुए लोगों से इस सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होकर सदस्यता कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। वक्तागढ़ में चेयरमैन तमकुहीराज प्रत्याशी मोहम्मद रफी खान, राकेश यादव, बबलू गाजी प्रधान, आजाद फिरोज विधा, चौहान परमेश्वर गौड़, रमेश गुप्ता, अलाउद्दीन राजन यादव कार्यक्रम में मौजूद होकर सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान की है। सदस्यता कार्यक्रम में खबर लिखे जाने तक लगभग 500 लोगों ने सदस्यता ली थी। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पे पूरे देश में, देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की याद में आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 9 अगस्त से ही पूरे प्रदेश और देश में 9 अगस्त की क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है और 9 अगस्त से ही समाजवादी साथी हर घर पे तिरंगा लगाने और फहराने का काम 9 अगस्त से कर रहे हैं। और आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 9 अगस्त को ही क्रांति पूरे देश में हुई थी, आज़ादी की लड़ाई की विधिवत शुरुआत 9 अगस्त सन 1942 को हुआ। उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों, जो लाखों करोड़ों की संख्या में अपनी कुर्बानी दिए, शहीद हुए और देश को स्वतंत्रता दिलाने में कामयाब हुए, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सब लोग उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उन सभी वीर सपूतों को, शहीदों को हम झंडा लगा करके झंडे को नमन कर रहे हैं और उन शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज तमकोही राज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे आदरणीय डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता के नेतृत्व में तिरंगा झंडा निकाल करके और उन वीर सपूतों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने का और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम हुआ है।